मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक वचन को शेयर करेंगे। यदि आज अपने दुखों में, बीमारियों में, संकटों में आप निराश हो चुके हैं, आप बहुत रो रहे हैं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, यदि प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुन पा रहे, आपके आंसू को नहीं देख रहा है, तो आज आपके लिए ये वचन है। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। प्रभु आज आपको दुखों से आज़ाद करना चाहता है, आपको दुखों से निकालना चाहता है। आप लोग इस वीडियो को देखें कि प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है एक वचन के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रभु ने आपके दुखों को देखा है, आपके कष्टों को देखा है, आपके बीमारियों को देखा। आप लोग बहुत दिनों से प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन आप लोग आज दुखों से आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके हर एक दुखों को, हर एक कष्टों को देख लिया है। तो चलिए हम वचन निकालते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 पद संख्या हम 16 को पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, अपना विलाप बंद करो और अपनी आँखों से आंसू पोछो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, यदि आज आप लोग कष्टों में हैं, दुखों में हैं, और प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु आज तक अभी तक आपकी प्रार्थना को नहीं सुना था, लेकिन प्रभु बोल रहा है अपने वचनों में कि मैंने तुम्हारे कष्टों को देखा है, मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, कि मेरे बच्चे तुमने कितने कष्ट किए, तुमने कितने दुख उठाए, प्रभु ने उन सारी चीज़ों को देखा है, और आज आपको वो आज़ाद करना चाहता है। आप लोग प्रभु के शरण में जाइए और आप लोग प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु आज आपको आज़ाद करने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु आपने हमारे आंसुओं को देखा है, आपने हमारे कष्टों को देखा है, आपने हमारे हर एक बीमारियों को देखा है। प्रभु जी आज आप हमें आज़ाद करेंगे, इस प्रकार का अंगीकार करें, प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा, हर एक कर्जों से, हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबत से आपको आज आज़ाद करने वाला है, क्योंकि प्रभु ने आपके दुखों को, कष्टों को देखा है, कि आपने कितने गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना किया था, आपने कितने उपवास रखे थे, प्रभु उन सारी चीज़ों को आज देखा है और आपको वो आज़ाद करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आप लोग प्रार्थना करें, घुटने पे जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने आपके दुखों को देख लिया है। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।